अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, टुडे वी हैव टू डिस्कस द पिरामिड वॉल। पिरामिड वॉल इज अ बैरियर दैट इज एन एक्सटेंशन ऑफ द वॉल दैट द एज ऑफ अ रूफ, टेरेस, बालकनी, वॉकवे और अदर स्ट्रक्चर। पिरामिड वॉल, आप लोगों को जो है ना ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि पिरामिड वॉल जो है ना ये बहुत ज़रूरी है सिविल इंजीनियर के लिए, क्योंकि ये इसका बनाना जो है ना साइट पे मुश्किल है। इसलिए ये ज़्यादातर प्रीकास्ट कंक्रीट कंपनी में बनाया जाता है। प्रीकास्ट कंक्रीट कंपनी में जाके मैंने ये वीडियो शूट की है, तो लास्ट में आप सब प्रैक्टिकल जो मेकिंग है वो सब देखेंगे। पिरामिड वॉल जो है ना इसके मुख्तलिफ टाइप्स हैं। इसका क्लासिफिकेशन दो तरीके से हुआ है, एक क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ अपेरेंस और दूसरा क्लासिफिकेशन जो है ना ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्फ़िगरेशन एंड शेप। इसके मुख्तलिफ अकसाम हैं। सैम्पल किस्म जो है ना प्लेन पिरामिड वॉल है, जो मैंने पिक्चर अपलोड की इसमें ये नज़र आता है आपको। दूसरा जो है ना पर्फोरेटेड है, जो यानी ख़ास किस्म की होल्स वगैरह इसमें कर दें, डिज़ाइन बना दें, डेकोरेशन कर दें, वही है। स्लो पिरामिड वॉल है, स्टिफ पिरामिड वॉल है, कर्व पिरामिड वॉल है। अभी सवाल पैदा होता है कि पिरामिड वॉल इस्तेमाल कहाँ पे होता है, किस लिए होता है। तो पिरामिड वॉल जो है ना रूप के जो टॉप वाले सतह है इस पर आता है, यानी इसका मेन फंक्शन जो है ना टू प्रोवाइड द एस्थेटिक लुक टू द स्ट्रक्चर्स, यानी स्ट्रक्चर को खूबसूरत बाहर से नज़र आए। और इसका मेन दूसरा जो है ना टू प्रोवाइड द सेफ्टी, और जो फंक्शन है यानी वायंट लोड जो है ना उसको भी कम कर देता है, लेकिन मेन फंक्शन इसका ये है। अभी मैंने जो है ना प्रीकास्ट कंक्रीट कंपनी में इसका सारा वीडियो शूट किया है कि किस तरफ बांधता है। अभी आप लोग देख सकते हैं कि ये जो आपको नज़र आ रहा है वीडियो में, ये यानी स्टील स्ट्रक्चर इसका बना हुआ है। जो स्टील इसमें आता है वॉल में ये सब बना होता है, ये मोल्ड। इसका लंबाई जो है ना तकरीबन 4 मीटर तक है सी, और इसका हाइट जो है ना तकरीबन 2 मीटर तक इसका हाइट है इस वॉल का। और डेकोरेशन आप इसके नीचे वाली सतह पे देख सकते हैं, मोल्ड जो है ना इसमें बेंडिंग किया हुआ है स्टील को, ये बेंडिंग आपको नज़र आएगी वीडियो में, थोड़ा जूम करके देखें तो ये बेंड हुआ है। और सारा बिजली का जो काम है, जहाँ पे बॉक्सेस लगे हुए हैं, ये फोम वाला बॉक्सेस, यहाँ पर बिजली आती है यानी। और दूसरा जो है ना ये वाला पोर्शन जो है ना ये मोल्ड में जो दीवार सब बनाए हैं, खास यहाँ पे जो फोम लगा हुआ है ये बिजली का काम कर रहा है। और दूसरी जगह पे जो वायर लगा हुआ है इसको इरेक्शन वायर कहते हैं। इरेक्शन वायर जो है ना प्रीकास्ट कंक्रीट काम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इरेक्शन वायर से जो है ना ये वॉल जब बन जाता है तो इसको एक जगह से दूसरी जगह पर जो प्लेसमेंट है इसका, यानी जो एक दीवार दूसरे दीवार पे लगा देता है, तो उस दौरान क्रेन के ज़रिए इरेक्शन वायर से ही उठाता है। और दूसरी जो है ना इसमें प्रॉपर जो है ना साकट लगे होते हैं, ये जो छत है छत के साथ जो है ना जॉइंट कर देता है। और डावल लगे होते हैं साइड पे, और डावल जो है ना वो भी काम करता है दूसरी जो छत रूप से नीचे जो दीवार है उसके साथ जॉइंट करने के लिए ये सब इस्तेमाल होते हैं। तो ये है पिरामिड वॉल। और मैं कोशिश करता हूँ, अभी पिरामिड वॉल का जो ड्राइंग है वो मेरे साथ नहीं है, मैं कोशिश करता हूँ कि किस तरह आप लोगों को पिरामिड वॉल का ड्राइंग भी पहुँचा दूँ। और जो उसमें स्टील आता है, जो डिज़ाइनिंग आता है मुख्तलिफ तरह की, और जो डिज़ाइन बना देते हैं मुख्तलिफ किस्म के, वो भी मैं एक और वीडियो या बना दूंगा या इसी में कोई लिंक वगैरह दूंगा, आप लोगों को पहुंचाऊंगा। थैंक यू फॉर वाचिंग एंड स्टे विद अस फॉर मोर वीडियो। थैंक यू सो मच।